हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला अरबी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है आधा किलो अरबी। अरबी को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इस तरह मीडियम साइज पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से मसाला अरबी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम दूसरे पैन में लेंगे ऑयल। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 पिसे हुए प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिसे हुए टमाटर, 5 मिनट तक पकने देंगे। मसाले को पकने देंगे और इधर हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे अरबी, और इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे से चिपके ना। हमने इसको 6-7 मिनट तक फ्राई करना है। अरबी को 80% तक पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। बीच बीच में इसे हिलाते रहें। फ्रेंड्स, हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है। मसाला हमारा भून चुका है। हमने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 1 उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे फ्राई की हुई अरबी। अरबी में से मैंने ऑयल अलग कर लिया है। आप उस ऑयल को किसी और सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मसाला अरबी बनकर तैयार है। आप भी इस अरबी को बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।